असलम जी होप यू डूइंग गुड जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर किसी को व्लागर बनना है और जब हर किसी को व्लागर बनना है तो उनको ये बात नहीं पता कि हमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए बजट में कौन सा आएगा डिटेल्स स्पेसिफ़िकेशन तो मैं आज आपको सारी वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि आप क्या कुछ खरीद सकते हैं अपना पर्सनल फेवरेट बताता हूँ सो व्लॉगिंग इज समथिंग विच हैज़ बिकम वेरी कॉमन दीज डेज हर बंदे को व्लॉगिंग करनी है और हर बंदा डिफरेंट तरह से व्लॉगिंग कर सकता है कोई अपनी जगह की करता है कोई शहर की कोई भी इन्फॉमेशन प्रोवाइड करता है तो हम आज उसकी कैमरा की बात करते हैं दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट व्लॉगिंग कैमरा अब इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसका फीचर ये कि यह बहुत लाइट वेट है अगर मैंने ब्लॉग करना है तो मैं यूँ पकड़ूंगा एंड देन विल आई स्टार्ट ब्लॉगिंग इसका माइक बहुत बेहतरीन है अगर आपको माइक इसका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके एक साथ एक्सटर्नल माइक भी अटैच कर सकते हो अगेन मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है मेरा हाथ थकता नहीं और ब्लॉगिंग हमेशा होती है चलते हुए ट्रैवलिंग करते हुए ब्लॉगिंग होती है इस तरह से बैठे बैठे ब्लॉगिंग होती नहीं है बैठे बैठे पॉडकास्ट हो सकता है ऐसे मैं बोल रहा हूँ ये बोल सकता हूँ कैमरा ट्राई पॉड पर लगा हुआ होता है लेकिन कैमरा अगर हाथ में पकड़ना है तो समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं तो हमें कुछ लाइट वेट चाहिए और अगर पाँच दस मिनटों तो चलता है लेकिन आपको पूरा दिन कैरी करना होता है तो लाइट वेट कैमरा होना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की इसका सबसे पहला बहुत क्रेजी फीचर ये है कि ये फोर फुटेज रिकॉर्ड करता है मतलब आपके ब्लॉग की क्वालिटी बेहतरीन तो हो गई क्योंकि ये एक करता है रिकॉर्ड 4K में दूसरा इसका मजे का फीचर ये है कि ये स्लो मोशन भी रिकॉर्ड करता है मतलब आपकी टेंशन ही ख़त्म आपने कोई और कैमरा नहीं चाहिए आपको स्लो मो रिकॉर्ड करने के लिए तीसरा इसका मजे का फीचर ये है कि ये बिल्ट इन टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड कर लेता है बिल्ट इन टाइम लैप्स का मतलब ये है कि पहले अगर आप टाइम लैस रिकॉर्ड करते थे तो आपको मैनुअली लैप्स बनाना पड़ता था लेकिन अब आप टाइम लैप्स बिल्ट इन रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आपको टाइम लैप्स का पता नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हैं टाइम लैप्स होता कि आपकी फ़ुटेज को और अच्छा बनाने के लिए आप टाइम लैप्सिस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एक और इसका मज़े का फीचर यह है कि आप इसको अंडर वाटर यूज़ करें आग में यूज़ करें रेत में यूज़ करें पानी में यूज़ करें टेंशन ही कोई नहीं है मतलब और इसके हर तरह के माउंट्स आते हैं आप इसको सर पे लगाएं आप इसको चेस्ट पे लगाएं आप इसको हाथ में लगाएं आप इसको पाँव में लगाएं आपने जिस तरह का पर्सपेक्टिव दिखाना है आप इसको वहाँ वहाँ लगा सकते हैं और पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा इसके हर तरह के माउंट्स आते हैं और अगर कोई पाउंट नहीं भी आता तो आप मैनअली भी बना सकते हो और उसको यूज़ करके आप कहीं पर भी माउंट करो अपनी मर्जी का फुटेज लो और इन्जॉय करो सो इसकी फर्सिलिटी इतनी ज़्यादा है थोड़ा सा इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं कि ये 10 बिट फुटेज रिकॉर्ड करता है 4K रिकॉर्ड करता है 1080 एटी स्लो मो रिकॉर्ड करता है वाइड एंगल में ये भी ये रिकॉर्ड करता है इसके चेंज भी हो सकते हैं कि वाइड एंगल और फिर स्टैंडर्ड अबिट जूम ये जो मेरे पास है दिस इज़ गोप्रो हीरोवन आप इससे कम वाला वर्जन भी ले सकते हो आप टेन ले सकते हो नाइन ले सकते हो परपज़ पर स्टिल सेम है क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लेटेस्ट वाला लें आप टेन लें नाइन लें डजन इवन मैटर एक और इसका मज़े का फीचर ये है कि ये बहुत सुपर 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 स्मूद है आप भाग रहे हो आप कहीं बाइक पे बैठे हो गाड़ी में बैठे हो फोटेज रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो यूं हिली भी नहीं आएगी वो बहुत स्मूद आएगी तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है आपको बाद में एडिटिंग में उसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अक्सर तो ऐसा होता है कि इतनी फुटेज छिकी हो जाती है कि स्मूथ भी नहीं होती है तो इसने वो टेंशन भी ख़त्म कर दी है तो व्लॉगिंग में बेसिकली तीन चार चीज़ें होती हैं जो आपको टेंशन होती है वो आपकी सारी हो गई कवर अब आपने फोकस करना है कॉन्टेंट के ऊपर वो आपकी मर्ज़ी आप क्या कॉन्टेंट शूट करोगे मैं आपको सिर्फ इक्विपमेंट बता सकता हूँ कॉन्टेंट नहीं तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन रिलेटेड टू व्लॉगिंग एंड कौन सा कैमरा लेना चाहिए अब बजट की बात करते हैं तो ये अब देखो मेरे शौक महंगे नहीं हुए हैं डॉलर महंगा हो गया ठीक है तो ये कैमरा जब एक लाख एक लाख दस हज़ार रुपये का था तो मैंने पहले लिया था अब डॉलर बढ़ गया तो अब प्राइसेस अलग हो गई हैं लेकिन आप एट नाइन टेन कोई भी ले सकते हो तो आपको साठ सत्तर हज़ार की रेंज में ये गोप्रो मिल जाएगा इसमें टेंशन नहीं है कि लेंस कौन सा लगाऊं फलाना क्या करूं ये सेटिंग क्या करूं ऑन ऑफ ऑन ऑफ दैट्स ऑल आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कामेंट्स